मैं जुगनों से सितारा हो जाऊं। घेर लेती है गमों की भीड़ हजरत मुझे जब भी घेर लेती है वो हाथ थाम के बाहर निकाल देता है। गमों की भीड़ मुझे जब भी घेर लेती है वो हाथ थाम के बाहर निकाल देता है। उसी से रखता हूँ उम्मीद में करम की असर, जो चांद डूबे तो सूरज निकाल देता है। क्योंकि यकीनन हौसला देता है, कुवत बख्श देता है। वो एक मकड़ी के जिम्मे भी हिफाजत बख्श देता है। वो कबूतर को बना देता है, ताकतवर अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। मदीना भेज देता है भागों में गरीबों को, कभी आंखों को काबे की जियारत बख्श देता है। कभी आंखों को काबे की जियारत बख्श बचाने वाला है। तो मतला रख रहा हूं, बातो इज्जत मंतशा बातो जिल्लो मंतशा, क्योंकि बेशक अल्लाह के हाथ में इज्जत है, उसी के हाथ में जिल्लत है। रोजी रोटी मौत
सब पे अल्लाह कादिर है। मतलब सुनिएगा, इंशाल्लाह आपकी झोली में डाल रहा हूँ और आप लोग पसंद करेंगे। बुलाइए फरमाए कि बताऊं क्या कहां, मेरी किसी और पे भारी ना बना, या खुदा ऐसी भी तकदीर हमारी ना बना, या खुदा ऐसी भी तकदीर हमारी ना बना, तेरी चौखट पे पड़ा हूं तो पड़ा रहने दे, किसी सरदार की चौखट का भिखारी ना बना। देखे बहुत हल्का सा, बताओ मुझे मेरा, मुझे मेरा, मुझे मेरा खुदा सब दे रहा है। जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। सब दे रहा है।
बेशक हमें पालने वाला हमारा खुदा है। शेर सुनिएगा, क्योंकि ये धनसारी में हाथ क्यों गैरों के आगे मुझे रोती मुझे रोती मेरा रब दे रहा है।
पयंबर जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाला होगा इंशाल्लाह वो खामोश नहीं रहेगा। एक एक मिसरे पे सुभान अल्लाह की आवाज चारों तरफ से आनी चाहिए, लगे कि आज अंसारी में चौथी नाइट का प्रोग्राम है। आहा के दरबारे मोहम्मद में सवरता है मुकद्दर, हजरत दरबारे मोहम्मद में सवरता है मुकद्दर, अल्लाह के हैं मेरे नबी खास खास पैगंबर, वल्लाह कमली वाले की ये शान देखिए, करते हैं बादशाही चटाई पे बैठ, करते हैं बादशाही चटाई पे बैठ। जिसमें मदीने की बात चलती है वहां तो दिन की तरह होके रात चलती है, चला है मस्जिद अक्सा वो रिश्ता दूल्हा, तमाम नबियों की पीछे बारात चलती है, मेरे नबी के अलावा बताओ है कोई, जमी से अर्श तलक जिसकी बात चलती है, तो मतलब सुनिएगा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा झोंके हवा के ला, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हाँ मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, सुभान अल्लाह जितनी तेज कहेंगे तो मेरे कानों तक आएगा। के जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिल सवार ले, तू वक्त से कुछ आई ने इश्को वफा के ला, और दुनिया दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, चल फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, और बातिल से दब रही है फिर ये उम्मते रसूल, मंजर जरा हुसैन करबला के ला, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा।
इंशाल्लाह बच्चा बच्चा सुभान अल्लाह की आवाज लगाएगा इंशाल्लाह। जिनको कहते हैं नूरे खुदा जिनका कम करने का तमाम आशिकाने रसूल की जानिब से ये बहुत सारे नजराने अकीदत पेश हुए हैं। मैं इस लायक नहीं जितना अच्छा आप लोग सुनते हैं माशाल्लाह। कोतवाल साहब ने भी 100 रुपए दिए हैं, वही पहलवान साहब ने भी बड़ी दुआओं से नवाजा है। तमाम कबान जी जितने भी लोग बैठे हैं सब दुआओं से ही नवाज रहे हैं। इमाम साहब खास तवज्जो चाहता हूँ आपसे। जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा।
वो है संडे या रसूल अल्लाह सल्ले अला सल्ले इन्हीं की दुआ है मेरे ऊपर क्या करें चाहे नूर का हर बच्चा है नवाजी रहे लेकिन उधर से कोतवाल साहब भी नवाजते चले आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है या आस्ताना शुक्रिया हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। कोतवाल साहब हमारे नबी पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए वो रहमत अरे जहान पे रहमत बन कर आए। एक हिंदू शायर है इमाम साहब पंडित कालिका प्रसाद कलकत्ता से वो नबी पाक की मोहब्बत में फरमाते हैं कि मशरिक से हो मगरिब तलक करतर हमो दीनार मशरिक से हो मगरिब तलक यानी दुनिया के एक कोने से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक पैसा ही पैसा हो माल ही माल हो मशरिक से हो मगरिब तलक गर्दर हमो दीनार लेकर के जमी ताबा फलक माल का अंबार यानी जमी से लेके आसमान तक माल ही माल हो मशरिक से हो मगरिब तलक गर्दर हमो दीनार लेकर के जमी ताबा फलक माल का अंबार दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार एक समत खड़े हों जो मेरे सैयद अबरार
फिर काद का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, अरे ना लेने कफे पाए नबी सर पे उठा दे। यानी दौलत एक तरफ हो पर सरकार के कदमों की जूती एक तरफ हो तो पंडित कालिका प्रसाद फरमाते हैं कि मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मार के सरकार के कदमों की जूती को अपने सर पे उठा लूंगा। ये हिंदू भाई का अकीदा है सरकारी दौलत से। आहा, जरा वो लोग हाथ उठा दें जो हसन हुसैन को मानने वाले बैठे हैं। जिसको अल्लाह ने एक दिया एक उठा, जिसको दोनों दिए हैं दोनों। शेर सुनिएगा उसको। हाँ भाई, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है। दीने अहमद की देखो, दीने अहमद की देखो, बाबा के लिए जिनके बच्चों ने सर दे दिया, जिनके बच्चों ने सर दे दिया, वो है सदमे सर दे दिया, बच्चों ने सर दे दिया, वो है सल्ले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अव्वल व आखिर आप वो आखिर भी है।
सबूत हम साहब जिनका आदम ने कलमा पढ़ा, जिनका आदम ने कलमा पढ़ा वो है सजले कुछ बचा है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, ये मक्ता इसमें जो असल मायने इस शॉल के भी हकदार आसिफ चाचा ही है, ये मेरे पे सूट नहीं कर रहा। ये वो शख्स है जिनको किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है, वाली दुनिया से लेके फिल्मी दुनिया तक आपने अपने तबले से एक खाक जमा के रखा है। ये मेरी खुशनसीबी है आप मेरे साथ में। सन 2000 तक मैं जानता हूँ आपकी भाई को, जो हमारे छोटे मदी शोला हैं नागपुर वाले महाराज के, उन्होंने हमसे आज से 20 साल पहले 1,00,000 रुपये मांगा था। इनकी बदौलत दरगाह बर्ची बहादुर अलीगढ़ में 40,000 रुपये कर्म की बात है। क्योंकि हर बशर का तो साया, हर बशर का तो साया रहा फर्श पर, कलमा पढ़ा।
भाई को जानते हैं जो पैदल मक्का शरीफ के लिए जा रहे हैं, मदीने के लिए जा रहे हैं। जरा शेर सुनिएगा। काम हुआ ये बड़ा ही नया, जिसको कहते हैं सारे शिहा। जिनकी खातिर वो पैदल चला, जिनकी खातिर वो पैदल चला, वो है सल्ले मुस्तफा, जिनका कम करके कलमा जिनकी खातिर वो पैदल चला, वो है सल्ले सरकार।